मेरा नाम मीसम राजा है और वेलकम बैक टू माई अनदर सीरीज। दिस इज द लास्ट पार्ट आई एम आई विल डिस्कस अबाउट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अप्रोच प्लेट्स। सो अप्रोच तीन किस्म की होती हैं। आईएलएस अप्रोच होती है, और आरएनपी अप्रोच होती है, और वी और एनडीबी। सो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं आज सबसे स्टार्टिंग में तो आईएलएस के बारे में। सो मोस्ट कॉमनली रनवे वी यूज आईएलएस लोकलाइज जुलू रनवे 25 लेफ्ट। तो इसमें ये है कि ऑब्वियसली सबसे पहला जो इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है तो कराची एयरपोर्ट का नाम दिया हुआ है, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो इस पर 80 की फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स इट इज़ 126.7, और कराची अप्रोच की फ्रीक्वेंसी है 125.5, और कराची टावर की है 118.3, ग्राउंड की है 121.6। तो ये यहाँ पे जो लिखा है लोकलाइजर ए आई क्यू ए जो है ये, और ये फ्रीक्वेंसी है बेसिकली जो है ना आईएलएस फ्रीक्वेंसी दी हुई यहाँ पे इसमें ना। और फाइनल अप्रोच कोर्स हेडिंग जो होनी चाहिए 254, जो कि हमने इसमें मैनुअली ऐड करनी पड़ती है लोकलाइजर की फ्रीक्वेंसी और फाइनल हेडिंग कोर्स हेडिंग जो है ना इस्टेब्लिश के लिए। और मिनिमम एल्टीट्यूड होने चाहिए 2000 फीट, फाइनल जो एल्टीट्यूड होने चाहिए डीएमई 6 माइल्स पे जब हम इस्टेब्लिश करेंगे। सो 2000 फीट पे हमने इस्टेब्लिश करना होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये आईएलएस का जो भी है ये डिसीजन है एल्टीट्यूड जो दिया हुआ है 318 और 229। एयरपोर्ट एलिवेशन ऑफ कोर्स इट्स 100। ठीक है, और रनवे लेंथ है ये मेरे ख्याल में 8900 जो भी है। और ये मेस अप्रोच जो है ये प्रोसीजर दिया हुआ है, अगर मेस अप्रोच अगर फॉर एग्जांपल हम गो रन कर लेते हैं, अप्रोच स्टेबल नहीं होता तो हम गो रन कर सकते हैं। तो ये इसमें लिखा हुआ है क्लाइम स्ट्रेट अहेड टू डीएमई 4 विच इज़ डिस्टेंस टू 4 माइल्स। तो डी 4 का मतलब पी हो के डीएमई हो गया, और डिस्टेंस जो कि 4 नॉटिकल माइल्स पर है ये। और देन टर्न लेफ्ट हेडिंग 200, तो हम लेफ्ट हेडिंग लेंगे 200। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्लाइंबिंग करते जाएंगे 2000 फीट, देन कॉन्टैक्ट ATC। तो ये है, तो हमने ऑफकोर्स हमें पता है कि रनवे एलिवेशन है 3 हेक्टोपास्कल, और ट्रांजिशन लेवल जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में, ज़्यादा डिटेल में जाना चाहता। और जो है दिखा हुआ डू नॉट मिस्टेक कराची शाही पैसल और कराची जिन्ना इंटरनेशनल विथ सिमिलर रनवे अलाइनमेंट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टेक भी हो सकती है, अगर आपने मिस्टेक नहीं करनी जिन्ना इंटरनेशनल पे हमें लैंड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कराची शाही पैसल पे एक वो शायद बेस बना हुआ है, वहाँ पे आपने लैंड नहीं करना, वो उसके लिए एयर उसके लिए होता है, या कहते हैं मिलिट्री बेस के लिए वो शायद, तो इसलिए इसमें ये दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे जैसे हम स्टार फॉलो करते हैं स्टाबिन पे हम आते हैं, स्टाबिन से हमारी अप्रोच स्टार्ट हो जाती है। जब हम स्टाबिन पे आते हैं तो लोकलाइजर इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ATC ने होल्डिंग दी होगी तो हम यहाँ पे इससे हम होल्ड करेंगे, और हमारा मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए 230 नॉट्स, और मैक्स फ्लाइट लेवल 700, और मिनिमम जो उसमें लिया हुआ है जो 3000 फीट। अगर आप सिर्फ फ्लाइट लेवल 700 से ज़्यादा है तो आपको वो होल्डिंग देगा ATC, वरना फिर आप डिसेंड करके अगर 3000 फीट पर आएंगे तो आपका इजीली इस्टेब्लिश हो जाएगा लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप। तो हमने 3000 फीट पर हमने इस्टेब्लिश करने साबिन पे। ठीक है, साबिन पे देखें जहाँ पे इस तरह डिसेंड करेंगे 2000 फीट आ जाएगा, D6.1 जो है यहाँ पे 2000 फीट तक आपने मेंटेन करना है, फिर आपका ऑटोमेटिकली ग्लाइड स्लोप कैप्चर हो जाएगा। तो इस तरह डिसेंड स्लोली स्लोली कर करके ऐसे या इस तरह करके हम रनवे पे हम इस तरह हम लैंड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक लो विजिबिलिटी, आपको रनवे नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ से गो ऑन कर सकते हैं, और अगर मिनी अगर आपका ग्लाइड स्लोप ख़राब है और वो यह कहते हैं लोकलाइजर सही तरह इस्टेब्लिश नहीं है तो आप इससे 0.6 GME पे आप गो ऑन कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप इस्टेब्लिश हैं और आपको रनवे नज़र नहीं आ रहा तो आप फिर भी 0.04 पर आप गो रन कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू एज फाइल्ड। तो ये है, ये तो ये देख सकते हैं पापी लाइट्स आपके इसमें शो होंगी, तो रनवे अपने जब भी एक्सपीरियंस किया होगा तो
तो बेसिकली इसमें सर्कल टू लैंड वाला भी प्रोसीजर है, वो अलग प्रोसीजर है, मैं इस पर एक और शो नहीं करूँगा। मोस्टली हम करते हैं स्ट्रेट अप्रोच जो है ना, स्ट्रेट अप्रोच है ये, ठीक है। तो देख सकते हैं रनवे विजिबिलिटी रेंज जो होनी चाहिए 600 मीटर्स, अगर फ्यूल मतलब फुल मतलब अगर वो होता है तो, ठीक है। और बाकी इसमें आप देख सकते हैं ग्राउंड स्पीड DV यहाँ पे 120.140.1618, सो ये इसमें दिया हुआ है, अपने इसके मुताबिक आपने डिसेंड करना होता है इसके एंगल के मुताबिक। तो इसको भी आपने मेंटेन रखना और जो भी है, और बाकी इसमें ये सब दिया हुआ है। तो बेसिकली ये कैटेगरी 3 अप्रोच है, और ऑटो लैंड भी इसमें आप कर सकते हैं, इसमें ये होता है ऑटो लैंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखने हेडिंग और ये, तो आपने दोनों चीज़ें आपने सही तरह से मेंटेन करके आपने इसको करना है। तो फिलहाल अब तो ये हो गया अप्रोच आईलेस, जैसे देख सकते हैं दूसरा आईलेस लोकलाइज वाई अप्रोच है, जो कि ये माकली से कनेक्ट करके आते हैं, और जुलू जो है वो होता है साबिन पे। तो आप देख सकते हैं मतलब माकली पे भी होल्डिंग है यहाँ पर, और फ्रीक्वेंसी वही सेम रहेगी जो कि रनवे 25 लेफ्ट की जो होती है, फ्रीक्वेंसी और ये कोर्स हेडिंग दोनों सेम होती हैं, और तो ये होते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि 3000 फीट में हमने इसका इस्टेब्लिश करना है, यहाँ पे कोई इतना वो नहीं है, आपने बस 3000 फीट पे ग्लास स्लोप भी कैप्चर हो जाएगा और वो भी इस्टेब्लिश कर लेगा। क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फ्लाइट लेवल 80 से आप आते हैं, फेस टाइम कर कर करके करते करते आते हैं फ्लाइट लेवल 50, फेस टाइम यहाँ पे 3000 फीट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्लास स्लोप और वो लोकलाइज कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम डिसेंड करते हैं, और वही प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था कि वही मिस अप्रोच प्रोसीजर का भी यही सेम यहाँ पे है, और अपने टर्न लेफ्ट हेडिंग लेनी है 200 और फिर 2000 फीट अपने क्लाइम करना है, फिर इसका कॉन्टैक्ट किसी। और ये है, ये भी वही चीज़ है आइलेस जोलो लोकलाइजर, तो सिंपल है। और ये आ गया 25 राइट का, 25 राइट का भी ये सेम प्रोसीजर है, आपने इसमें भी वही चीज़ है। तो और मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ, बस ये आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो ये है, तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये इसकी है फ्रीक्वेंसी 110.1, और हेडिंग वही सेम है, और ये भी वही लोकलाइजर है अप्रोच। अब हम चलते हैं इस पर, मैं आगे ये देख सकते हैं एक और एक्सरे लोकल आईलेस और लोकलाइजर एक्सरे अप्रोच, तो ये भी एक अलग अप्रोच है। इसमें देख सकते हैं 25 राइट में 3 तरह की किस्म की अप्रोच हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं टू एक्सरे, यंकी और जुलू, ये 3 अप्रोच हैं। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ से अब आते हैं लीमा ऑस्कर माइक से होते होते हम यहाँ से इस तरह स्लोली हम डिसेंड करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग, ये बेसिकली कराची के कराची व्यू आर है किलो चार्ली का ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो दिया हुआ है कि आपने आपने इस तरह आपने होल्ड करना है, अगर आपका आपका आप वो है हाई। तो इसमें आप देख सकते हैं अवॉइड ओवर फ्लाइंग कराची सिटी ड्यूरिंग डे बिलो 2000, एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम आपने बिलो 3000 फीट से जाना भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि क्या एयरपोर्ट बना हुआ है सिटी के अंदर, तो शहर के अंदर तो इसलिए डेंजरस है, तो आपने उसका ध्यान रखना होता है। तो इसलिए आपने यहाँ पे दिया हुआ है कि अपने 3000 से ब्लो नहीं जाना रात में, तो उसका आपने ध्यान रखना। और ओके, सो अब हम चलते हैं आर एंड पी अप्रोच। आर एंड पी बेसिकली GPS बेस्ड अप्रोच है, जो कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ उसमें सिर्स में और तो स्टार में। तो देख सकते हैं हम आर एंड पी अप्रोच यहाँ पे तो 07 लेफ्ट में यूज़ होता है और 07 राइट में। सो देख सकते हैं ये बेसिकली आर एन एफ कहते हैं, और इसका ये नया नाम रख दिया आर एन पी। तो देख सकते हैं हम आते हैं गुमिल से, और इस तरह फ्लाइट लेवल 60 से आते आते 3000 फीट मेरोक से डिसेंड करते करते आप मेरोक पे आ गए 3000 फीट, और मेंटेन रखनी है ये हेडिंग आई मीन या आपने रखनी होती है, क्या कहते हैं मैक्स 210 नॉट्स अपने इस तरह मेंटेन करना है, और इस तरह किलो चार्ली पे आके आपने जो है इस तरह 6000, तो सिंपल इस तरह आपने लैंड कर सकेंगे, तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो सिंपल इस तरह आपने इसको फॉलो करना है, और अगर अप्राइच देख सकते हैं कि अगर आपका मिस अप्रोच प्रोसीजर आ जाएगा
तो आपने क्लाइम स्टेटा हेड टू मार्कली देन क्लाइमिंग टू 3000 फीट एंड देन कॉन्टेक्ट एजेंसी, सिंपल हो गया। बस आपने यहाँ पे अगर मेस अप्रोच प्रोसीजर आपने कर दिया तो आपने FMC में ये ऐड कर देना मार्कली, और आपने 3000 फीट आपने क्लाइम करना है, और बाकी भी इसका आपने ATC कॉन्टेक्ट करेगी, ATC आपको वैक्टर देकर यहाँ पे इस तरह करवा के आपको इस तरह दोबारा इस्टेब्लिश करवा देगा। तो ये है, तो आप देख सकते हैं प्रोसीजर एल्टीट्यूड दिया हुआ है एट किलो 4600, तो 1600 फीट पर आपका जो है अप्रोच स्टार्ट हो जाती है, आपने लैंडिंग करनी होती है। और ये LLF मिनिमम डिसीजन हाइट जो है 660 फीट है, और रनवे लेंथ है 7700 मीटर्स। तो आप देख सकते हैं जब आप किलो 4602 पे आप इस्टेबलिश हो जाते हैं रनवे पर, रनवे इनसाइड बेसिकली, तो इस तरह हमने स्लोली स्लोली डिसेंड करना है, फिर इस तरह हमने इस तरह अपने करके और लैंड कर जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल वो हो जाते हैं कि आपको रनवे नज़र नहीं आ, तो इस तरह हम वो करना होते हैं। तो ये सर्कल टू लैंड प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये स्ट्रेट इन लैंडिंग है। सर्कल टू लैंड मार्कली से होते होते यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल मिस अप्रोच प्रोसीजर हो जाते हैं, तो ये है, तो ये स्ट्रेट इन अप्रोच है और स्ट्रेट इन लैंडिंग। तो ये सेम प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है और कोई इसमें नहीं है, तो ये है। और 07 डाइट का भी ये प्रोसीजर है, तो इसमें आप देख सकते हैं अब हेडिंग भी रहेगी करंट फाइनल, जो रनवे हेडिंग है वो है 074। ओके, और बस यही है, अभी हम चलते हैं लास्ट पार्ट में, ज़रा एक सेकेंड। ये भी RNP अप्रोच है, 25 लेफ्ट का भी है ना, 25 लेफ्ट का अगर आपको RNP अप्रोच करना हो तो इस हम कर सकते हैं, और इसकी कोर्स हेडिंग होगी 253। तो देख सकते हैं LNF और VNF जो है वो होता है इसमें भी, उसमें क्या कहते हैं FMC में, तो इस हमने करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया, और बस फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, और कोई अगर अप्रोच है, हाँ ये नहीं, वी आर जुलू अप्रोच, तो हम इस पे चलते हैं, इस पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो वी आर बेसिकली क्या होते हैं, कराची वी आर से होते होते हम इस तो वी आर एक वो होती है, आपको वो पूरा गाइड देते हैं DM डिस्टेंस बिटवीन द बीकन, तो ये इसको हम कहते हैं वो वी आर DME अप्रोच जो है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं अभी हम अगर मार्कली पे होल्डिंग दी होगी तो इस तरह होल्ड करना होगा, वरना फिर इस तरह कंटिन्यू करके इस तरह लैंड कर सकेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट किलो 40 VR पे आ रही है, तो इस तरह आपने लैंड कर दिया। और तो ये हो गया, और इसमें भी यही है, VR जुलू अप्रोच सिंपल है। तो आप देख सकते हैं VR यंकी अप्रोच जो है ना, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे देख रहे हैं किलो डायरेक्ट किलो 40 पे आ रहे हैं, आपको 80 से आपको हेडिंग देते हुए इस तरह आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो इस तरह आप लैंड कर पाएंगे। तो देख सकते हैं वी आर से आपने डायरेक्ट इस तरह DME 800 पे आ जाना है, फिर इस तरह लैंड कर जाएंगे 254 पे, फिर अगर विदाउट DME अब आउट ऑफ DME है तो आप इस तरह गो अराउंड कर सकते हैं दोबारा से अप्रोच दोबारा से उसके लिए। तो ये है, और फिर इसमें आप देख सकते हैं सेम प्रोसीजर, अगर आप फॉर एग्जांपल क्लाइम स्टेट है 2400 DME 4 2 और 1000 फीट, ओके, देन टर्न लेफ्ट हेडिंग 200, देन क्लाइंबिंग टू 2000 फीट, देन कॉन्टेक्टिंग ATC। तो ये सिंपल प्रोसीजर हो गया VOR का, ठीक हो गया। और ये NDB अप्रोच है, ठीक है, NDB अप्रोच जो है तो ये डायरेक्ट, तो ये अलग NDB जो है वो रेडियो ADF फ्रीक्वेंसी से वो जैसे आपको बताया था ADF के ज़रिए वो फॉलो करते हैं। तो ये एक और प्रोसीजर, तो आप देख सकते हैं NDB से आप 3000 फीट से इस तरह आते आते 100 हेडिंग 100 पे आते आते, फिर इस तरह 3 मिनट्स के बाद अपने फिर 2100 पे आ जाएंगे, फिर इस तरह डिसेंड करते जाएंगे और इस तरह लैंड कर गए। तो ये अप्रोच थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है ही, लेकिन अगर आप इसको कोर्स करेंगे चार्ट पे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और समझ आ जाएगी। तो बेसिकली हम कॉमनली यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, कॉमनली जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं,
आईएलएस अप्रोच और आरएनपी अप्रोच, हमने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना होता। और फाइनल लास्ट में आ जाते हैं एसआरए, जो भी रेडार अप्रोच बेसिकली कहते हैं इसको। रेडार के ज़रिए आपको हर चीज़, रेडार के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बेसिकली वेक्टर्स अप्रोच होती है, आपको एटीसी वेक्टर्स के ज़रिए आपको लैंड करवाएगी। तो देख सकते हैं इसका वेक्टर्स के ज़रिए, फिर आपने इसका कर 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 करा के फिर आप इसका लैंड कर सकेंगे। और वक्त वही आईएलएस फ्रिक्वेंसी, अगर आपने आईएलएस अप्रोच है तो वही चीज़ है ये। तो इसमें देख सकते हैं, अगर मेरे अप्रोच प्रोसीजर हो गया तो उसमें लिखा है एज डायरेक्टेड बाय रेडार कंट्रोलर। तो रेडार कंट्रोलर आपको इन्फॉर्मेशन देगी, अगर आप उस पर इस पे थे, इस प्रोसीजर, इस ये वाला प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे तो ये है। और सेम प्रोसीजर वही 2 5 लेफ्ट 2 4 राइट का है। और फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। हमारी तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम चार्ट पे गो थ्रू करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक फेसबुक ऑल्सो एंड ऑन इंस्टाग्राम। एंड इंशाल्लाह आई विल बी डूइंग स्ट्रीमिंग सून। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।